एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं मथुरा रोड दिल्ली के अंदर, जहां डिप्टी सीएम का निवास स्थान है। वहां पर कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष यहां पर बैठे हुए हैं धरने पर। और ये कहां से हैं? ये हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, सांख्यिकी सहायक और निम्न वर्गीय लिपिक, चपरासी। सभी समस्त लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। आज 14 दिन यहाँ इनको अपनी मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जी के निवास स्थान पर। आइए जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम सुनीता है। आप कहाँ से हैं? मैं सुपरवाइजर हूँ गौतमपुरी प्रोजेक्ट में। तो आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आए हैं आप? सर, हमारी तो ये मांग है कि जो हमारी 2016 वाली लड़कियाँ, पहले तो उनको, जिनको टर्मिनेट किया, उनको अभी के अभी वापस लिया जाए। और उसके बाद हम लोगों के साथ आके पहले तो मनीष सिसोदिया जी बातचीत करें। आज 14 दिन हो गए, 14 दिन से हम यहाँ बैठे हैं और उन्होंने एक बार भी हम लोगों की तरफ ना हमारे से बातचीत करने के लिए कोई किसी को भेजा। और हम डेली उनको ये पेपर भेजते हैं, डेली उनसे बात करने के लिए कहते हैं और वो बाहर आके हमसे बात नहीं कर रहे हैं। और हम चाहते हैं पहले तो हमसे बात करें ताकि हमें पता लगे, हम उनके सामने अपनी मांगें रख सकें। और आज हमारा करवा चौथ का त्यौहार है, सारी बहनें सुबह से हम लोग 8:30-9 बजे से यहाँ आके ऑलरेडी बैठ जाते हैं और डेली बैठते हैं। और आज भी ये लड़कियाँ सब भूखी प्यासी व्रत रख के यहाँ बैठी हैं और हम आज उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उन्हें आज एहसास हो जाए कि ये महिलाएं यहाँ भूखी प्यासी बैठी हैं और आज आकर वो हम लोगों से बातचीत करें। और हमारी जो लड़कियाँ जिनको निष्कासित नौकरी से निकाला गया है बिना किसी उसके लेटर के, जब उनकी किसी गलती की वजह से, पहले उनको लिया जाए फिर हमारी मांगें पूरी करी जाए। सबसे बड़ी हमारी मांग ये है कि हमारा समान काम का समान वेतन दिया जाए, जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार सबको मिलना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। और हमें अपनी नौकरी पर स्थायी किया जाए, जिस नौकरी पर हमें स्थायी रखा जाए वहाँ पर। अभी मैडम ने बताया कि जो लड़कियां डिस्चार्ज कर दी हैं, वो सस्पेंड कर दी हैं, डिस्चार्ज और सस्पेंड में अंतर होता है, तो वो क्यों उनको निकाला गया है, क्या कारण था, उनकी क्या गलतियां रही जो उन्हें निकाला गया है? इनको निकाला तो इसलिए गया क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो सरकारी हमारी DSSB से जो पोस्ट आई हैं उनको रखा जा रहा है DSSB से, जो हमारे पास लड़कियाँ आई हैं यहाँ पर सुपरवाइजर हैं। तो हम लोगों का कोई इसमें कोई गलती नहीं है, कुछ वो नहीं है, हम समान कार्य कर रहे हैं, समान वेतन मिल रहा है हमारे को बिना ब्रेक के। 11 पूरे साल हमारे को, हमने कार्य किया है इसमें, हमारे को कोई ब्रेक नहीं दिया गया है, हमने रेगुलर कार्य किया है और फिर भी हमें पता नहीं क्यों निकाला गया है अर्जेंटली। आपका नाम? सुभद्रा। सुभद्रा जी, आप कहाँ से हैं? हम तिलक विहार प्रोजेक्ट से हूँ। तिलक विहार प्रोजेक्ट।